हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अलोइंग, लेट्स फ्लाई विद सक्सेस। आज है 17 दिसंबर 2020। इस सेशन में हम 17 दिसंबर 2020 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल होगा, बुध इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। ओके, स्वागत करता हूँ, मैं हूँ सुजीत कुमार मिश्रा आपको एजुकेशन अलोइंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चंस था, हम इसका आंसर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन के लिए बढ़ेंगे आगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु हैज वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? आंसर होगा यहाँ हमारा मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली मैक्स वर्स्टैपेन वॉन द सेशन एंडिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड इन अबू धाबी। ये कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी पे हुआ था। अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई पे है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, वाल्टेरी बोटास गॉट द सेकेंड पोजीशन एंड द वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन गॉट द थर्ड पोजीशन इन दिस ग्रैंड प्रिक्स। ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन वॉज, हमारा अगला क्वेश्चन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन एबीपीसी इन व्हिच सिटी। कौन सी सिटी में एबीपीसी को वो एस्टैब्लिश करेगा? पहले देखते हैं एबीपीसी का एब्रीवेशन क्या है। एबीपीसी का एब्रीवेशन है ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। एंड द आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी जयपुर। ये इसको जयपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा। रिसेंटली आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर फॉर द रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ द करेंसी नोट्स। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ, सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का सेशन का, व्हेन इंडिया ऑब्जर्व 49 विजय दिवस, कब इंडिया 49 विजय दिवस को सेलिब्रेट कर चुका है? ये आंसर होगा हमारा यहाँ 16 दिसंबर को। ओके, इन इंडिया विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर, एंड दिस ईयर इट इज़ द 49 विजय दिवस और 49 विक्ट्री डे। ओके, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुआ था और इंडिया की जीत मिली थी, तो वहाँ जो भी सोल्जर हमारा सेक्रीफाइस करके शहीद हो गए थे, उसको उन लोगों को याद करने के लिए और ये विक्ट्री डे को मेमोराइज करने के लिए ऑन 16 दिसंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द विक्ट्री डे। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रीअपॉइंटेड एज द MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। किसको कोटक महिंद्रा बैंक के फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियोजित किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए उदय कटक को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं उदय कटक की द पर्सनैलिटी की इमेज को। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द उदय कटक एज MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर फर्दर टर्म्स ऑफ 3 ईयर्स, फॉर फर्दर टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। ओके, एंड ये उदय कटक बैंक जो है ये इसको 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था, 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। और हेडक्वार्टर उदय कटक बैंक के सिचुएटेड है मुंबई में, रिमेंबर हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मुंबई। ओके, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ रिलीज्ड ए बुक ऑन 19th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खड़े हैं, तो ऑप्शन सी होगा, ओम बिरला इज करेक्ट हियर। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ रिलीज्ड ए बुक ऑन द ओकेजन ऑफ द 19th एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक ऑन 13 दिसंबर। द नेम ऑफ द बुक इज द शौर्य अनबाउंड। ये 19th एनिवर्सरी किसका है? हमारे कंट्री में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, आपको याद होगा ये 2001 में हुआ था पार्लियामेंट अटैक, अबाउट 5% अटैक टू आवर पार्लियामेंट एंड आवर सोल्जर एंड आवर जो सुरक्षा बल थे वो भी कुछ शहीद हो गए थे इसमें, और ये 5 आतंकवादी जो भी अटैक कर रहे थे उनका भी वहाँ डेथ हो गया था। ओके, और इसको मेमोराइज करने के लिए एक बुक रिलीज किया गया है, बुक का नाम है द शौर्य अनबाउंड। क्या है? द शौर्य अनबाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज साइंड एन MOU विथ क्लीन गंगा मिशन इन इंडिया। कौन से कंट्री अभी एक MOU साइन करी है इंडिया के साथ, क्या करने के लिए? क्लीन गंगा मिशन में सहयोग करने के लिए।
आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी नॉर्वे। ओके रिसेंटली नॉर्वेन इंस्टीट्यूट ऑफ द बायो इकोनॉमिक रिसर्च NIBIO हैज साइंड एन MOU विद द क्लीन गंगा मिशन इन इंडिया। ओके नॉर्वे इज न्यूज। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो इज द कैपिटल एंड द करेंसी इज नॉर्वेन क्रॉन। नॉर्वेन क्रॉन इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। व्हाट इज इंडियाज GDP कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग? -6%, -7%, -7.7% और ऑप्शन डी -10%। क्या होगा आंसर यहाँ? हमारा आंसर होगा यहाँ -7.7%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके रिसेंटली S&P के द्वारा उसका ग्लोबल रेटिंग का GDP कंट्रैक्शन में जो हमारा रिपोर्ट था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रिलीज हुआ है और उसमें ये देखा गया है कि इसका कंट्रैक्शन होगा -7.7%। पर द अर्लियर एस्टिमेटेड इज -9%। दे अर्लियर एस्टिमेट प्रीवियसली एस्टिमेट किए थे -9%, पर उसका जो रिवाइज्ड डाटा है आंसर होगा क्या -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन हैव बीन सिलेक्टेड बाय UNEP फॉर 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? द आंसर होगा यहाँ हमारा 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रिसेंटली UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP एब्रिविएशन इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज अनाउंस्ड द 6 लॉरेट्स ऑफ द 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड द UN's हाइएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड। ये UN के हाइएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है और ये अबाउट 6 पर्सनैलिटी को सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू हिज कंट्री? कौन सी कंट्री को वो बिलोंग्स करते थे? आंसर होगा यह हमारा वो ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग्स करते थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन हैज पास्ड अवे। ही मेड हिज टेस्ट डेब्यूट अगेंस्ट इंडिया इन 1968 में उसका डेब्यूट मैच था टेस्ट मैच। किस कंट्री के अगेंस्ट? हमारे इंडिया के अगेंस्ट उसने फर्स्ट डेब्यूट किए थे। ओके आप यहाँ देख सकते हैं इमेज को, क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 8। JS मुरलीधर अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? कौन सी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अभी अपॉइंट किया गया है? उसका नाम है, उनके नाम है जस्टिस S मुरलीधर। ओके आंसर होगा यहाँ हमारा उड़ीसा हाई कोर्ट के, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपॉइंटेड जस्टिस S मुरलीधर एज चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, उड़ीसा इज न्यूज, कैपिटल होगा उड़ीसा का भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक एंड प्रोफेसर गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ओके आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज चेयर्ड द 23rd मीटिंग ऑफ FSTC? FSTC के 23rd मीटिंग को किसने चेयर किए हैं? आंसर होगा यहाँ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर द 23rd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSTC का हमारा एब्रिविएशन क्या है रिमेंबर कीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैनेज किया गया है। कहाँ से? दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री ऑब्जर्व्ड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 16 दिसंबर? कौन सी कंट्री उसके 16 दिसंबर को उसका इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया है? आंसर होगा यह हमारा कर्जिकिस्तान, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके रिसेंटली काजकस्तान्स इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन December 16। ओके काजकस्तान इज ए न्यूज, उसका कैपिटल क्या है? कैपिटल है नूर सुल्तान। रिमेंबर नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ काजकस्तान एंड काजकस्तानी टेंच इज द करेंसी ऑफ काजकस्तान। ओके आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में काजकस्तान को जो रूसिया के साथ भी उसका बॉर्डर शेयर करता है। ओके आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है और ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ही ये क्वेश्चन दिया जाता है और हम ये क्वेश्चंस को हमारा अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आप आज की आपको आंसर करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में 2023 के FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप
होस्टिंग किया जाएगा, मेज़बानी किया जाएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हुइस कंट्री विल होस्ट द 2021 यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप। ओके, प्लीज़ ट्राई टू आंसर मोर इन कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए और कॉम्प्रिहेंसिव वे में देने के लिए ट्राई कीजिए, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और अगर आप सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि हमको बहुत सारे डाटा सीखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग अपडेट्स के लिए, ऐसे एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।